यूपी सरकार भले ही आम लोगों के लिए विकास की नई इबारत लिखने का दावा करती हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। मुरादाबाद के देहात क्षेत्र में पिछले 10 सालों से दर्जनों गांवों के लोग गांव-गांव से चंदा जमा कर गांगन नदी पर लकड़ी का पुल बनाकर सफर तय कर रहे हैं। यहाँ से रास्ते के लिए मांग करी थी सब लोगों ने, अधिकारियों के लिए, हाँ तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, हमको पुल बना देंगे तुम्हारे लिए। अभी कोई भी पुल नहीं बना, ये गांव वालों ने कर रखा है। खतरनाक है ये, इसके ऊपर पब्लिक चलती ही रहे दिन भर। हाँ एक बार टूट गया, टिलारी चढ़ा दी इसके ऊपर, अभी कोई महीना भर हुआ टिलारी से चढ़ा के पुल तोड़ दिया था, अब दोबारा तैयार करा। इस पुल पर आवाजाही के दौरान दर्जनों लोग घायल भी हो चुके हैं, लेकिन अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगा चुके लोगों को आज तक कोई भी समाधान नहीं मिला है। ये कच्चा पुल अगर नहीं होगा तो इसके लिए 15-20 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ेगा पागबड़ा जाने के लिए। और अगर हम इधर जाते हैं मोड़ातैया बाईपास पे, इधर भी 15-20 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ेगा पागबड़ा जाने के लिए। इसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पड़ती है गाँव वालों को। इस रास्ते से कम से कम 30-50 किलोमीटर का बंदा पागबड़े को इस रास्ते से निकलता है मोटरसाइकिल वाला। गांव वालों ने मिलकर बनाया ये, सरकार ने नहीं बनाया ये, कभी आप लोगों ने सरकार का कोई इसमें योगदान नहीं। मुरादाबाद के पागबड़ा क्षेत्र को देहात से जोड़ने के लिए गांगन नदी पर बना एकमात्र लकड़ी का पुल ही लोगों की आवाजाही का जरिया है। गांगन नदी के पार चौधरपुर गाँव और उसके आस पास के दर्जनों गाँवों को जोड़ने के लिए इस पुल का निर्माण स्थानीय लोगों द्वारा हर साल चंदा जमा करके किया जाता है। बरसात के मौसम में लकड़ी का यह पुल पानी के तेज बहाव में बह जाता है, जिसके बाद स्थानीय लोगों को 15 से 20 किलोमीटर दूर जाकर नदी को पार करना पड़ता है। हाँ एक साल में एक बार मरम्मत होती है। गांव वाले कुछ अगर 10 रुपए गांव वाले लगाएंगे तो 2 रुपए मोटरसाइकिल वाले इकट्ठे करते हैं। ईटीवी भारत के द्वारा जब इस समस्या से यूपी सरकार के पंचायती राज मंत्री को अवगत कराया गया तो उन्होंने इस मामले की जानकारी को लेकर समस्या का समाधान करने का दावा किया। चौधरपुर में पागबड़ा को जोड़ने के लिए गांगन नदी बीच में पड़ती है, ये बात ठीक है, लेकिन मुरादाबाद शहर से डायरेक्ट संपर्क मार्ग चौधरपुर का बाया खदाना होकर है। आपने भी इसे रखा है, इसका परीक्षण कराकर और निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जनता से जुड़े विषयों पर हमेशा काम करती रही है और जनता की भावना के अनुसार ही काम करती है। समस्याओं से जूझ रही जनता को समाधान के लिए सालों चक्कर लगाना उनकी नियति बन चुका है। देखना तो यह है कि सरकार और उनके लोग आखिर कब तक लोगों को यूं ही आश्वासन देते रहेंगे।